नमस्कार जी, कैसे हो? बस ठीक हो जी। एक महीना हो गया बाईपास एक के महीना हो बाद। गया। सैर करते हो? कितनी दूर तक? सवेरे शाम करता हूँ। कितने किलोमीटर? किलोमीटर या अभी तो आंगन में जाता हूँ, कोई 10-20-25-30, कई बार 40 चक्कर काट देता हूँ। 40 चक्कर? बाहर नहीं जाता, ट्रैफिक होती है ना बहुत। अच्छा। हाँ और जी, हाँ जी। कितने देर तक करते हो सैर? कितने मिनट तक? जी कितने मिनट तक करते हो टोटल? 1 आवर 1 आवर? वन आवर अच्छा, ठीक है। मॉर्निंग बाकी और इवनिंग। हाँ जी, एक्सरसाइज करते हैं? हाँ जी, अच्छा, दवाई ले रहे हो ठीक एक्सरसाइज से? मैं करता हूँ। हाँ जी, दवाई ठीक से ले रहे हैं? हाँ जी, अच्छा, वो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। टांके दिखा दो। और बाकी कोई तकलीफ तो नहीं होती अब? अपना ना रूटीन काम शुरू करो अब। आपकी जो है ना शुगर थोड़ी ज्यादा रहती है। आपकी रिपोर्ट्स मैंने चेक की थी, उसमें आपकी शुगर जो है वो कई बार 250-300 से भी ज्यादा रहती है। आपका क्रिएटिनिन भी हाई था, फिर आपके जो एंजियोग्राफी हुई थी ना उससे भी बढ़ता है थोड़ा क्रिएटिनिन। तो हाई शुगर रहने की वजह से आपका जो क्रिएटिनिन लेवल है वो थोड़ा हाई रहता है, वो किडनी को भी डैमेज करता है ना। तो नहीं, जब आप आए थे ना तब भी आपका क्रिएटिनिन हाई था। हाँ, लेकिन वो किडनी जो होती है ना वो उस पर असर रहता है डायबिटीज का, तो वो बॉर्डर लाइन किडनी होती है। जैसे अटैक आया आपका, उसके बाद फिर जब अटैक आने के बाद डाई भी देते हैं, उससे भी थोड़ा डैमेज होता है, तो वो फिर थोड़ा सा अब हाई रहता है। लेकिन कोई वैसे तो नॉर्मली जो होता है ऑपरेशन अगर करें उस कंडीशन में, तो उसके बाद काफी हाई भी कई बार चला जाता है, 3.5-4 तक, 4.5 तक भी चला जाता है। लेकिन आपका ठीक ही रहा, आपका ज्यादा नहीं गया। आपका अभी काफी पहले से तो मतलब डाउन ही रहा, आपका इतना हाई कभी बढ़ा नहीं। तो अभी लेकिन इसको कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका ये कंट्रोल नहीं रहेगा ना शुगर, तो फिर आपकी किडनी डैमेज हो जाएगी। तो इसको शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। आप वहां पे डॉक्टर आना है ना, उनके पास चले जाना और उनको बोल देना कि दवाई जो है ना वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ताकि आपका शुगर जो है ना वो कम रहना चाहिए। इतना हाई 300 से ऊपर नहीं जाना चाहिए आपका, तो वो चले जाता है ना बार बार आपका 250-300 ऐसे चले जाता है। हाँ जी, तो उसको डाउन रखो। शुगर अगर आप कंट्रोल में रखेंगे ना तो आपका बहुत ये डाउन आ जाएगा क्रिएटिनिन धीरे धीरे। हाँ, तो उसकी डोज बढ़ाना पड़ेगा ना फिर। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। अभी ईसीजी की जरूरत नहीं है मुझे, इलेक्ट्रोलाइट आपके देखने हैं मुझे। हाँ, वो लेकिन आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स भेजी है ना, वो कई खुल नहीं रही थी उसमें। हाँ जी, हाँ, ठीक है। तो बाकी आपको मैं दवाई प्रिस्क्रिप्शन फ्रेश भेज देता हूँ। आपने पिछली जो लास्ट आप चेक करा के गए थे वो प्रिस्क्रिप्शन भेजी है?
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप? ठीक ठाक हो? अच्छा बहुत अच्छे हो। तो इसको बचा के रखेंगे तभी ज्यादा साल तक कामयाब रहेगा ना। अगर हम इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर हम डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर कुछ टाइम के बाद उसके अंदर फिर से कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा। तो हमको इसको परहेज करना जरूरी है, ठीक है? जी और 4 किलोमीटर सर, का वॉक परहेज करना भी जरूरी है, ठीक सर है? परहेज चलने में इनको, खाने में इनको किसमें है? हाँ जी, वो हमको सर आप में सुबह जब उठता हो ना नींद से सर में दर्द होता है बहुत, नींद ठीक आता है? नींद ठीक आता है लेकिन सुबह जब उठता है चाय पी के सर में दर्द होता है दिन भर, फिर तो घंटा दो घंटा 3 घंटा रहता है, आपका फिर ब्लड मैं प्रेशर ठीक बिल्कुल है? ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता है लेकिन अच्छा, आपका जो है ना, देखो दो सर्जरी हुआ है, तीन, एक हार्ट का हुआ है और नालियां दो जगह से बंद थी पैर की, तो दोनों प्रोसीजर हुए हैं। उसके बाद आपका कितना टाइम हो गया? अब साल हो गया, 1 साल 6 महीना 1 साल 6 महीना हो गया ना, तो अभी काफी टाइम से आपका चेकअप नहीं हो पाया, तो अभी तो कोविड की वजह से वीडियो पे ही चल रहा है। तो आपका जो कितने किलोमीटर चल लेते हैं आप? दीवार के सामने खड़े हो जाइए। हाँ, अब दीवार के बिल्कुल सामने स्ट्रेट अपना एक हाथ साइड में रखो, एक हाथ दीवार को छूना है। हाँ ऐसे, अब उंगलियों से इसको टच करना है ऐसे, और उंगलियों को ऊपर लेके जाना है ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे दीवार पे ऊपर लेके जाओ, ठीक है? फिर पंजों के सहारे और ऊपर लेके जाओ, ठीक है? अब इसको धीरे धीरे ऐसे नीचे लेके आओ। हाँ नीचे लेके आओ, ऐसे ऐसे उंगलियां चलानी है ऐसे ऐसे करके दीवार के ऊपर, ठीक है? अब दूसरे हाथ से करो, बंदर में इस क्या? हाथ को नीचे रख लो, दूसरे हाथ से करो। हाँ और स्ट्रेच करो ऊपर, ठीक बेकार था है? अब ऐसे करना है,